अभी जो है यहाँ पे एनसीआर क्षेत्र में जितने भी आरटीओ हैं सभी ने विज्ञप्ति जारी करके और एक चिट्ठी निकाल दी कि इसको जो है जितने भी 10 साल पुराने डीजल वाहन थे सबके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए एनसीआर क्षेत्र में, जिसमें जो है सैकड़ों, वो मतलब सैकड़ों नहीं हजारों, एक जिले में 50 से 40 हज़ार के बीच जो है वाहन है जो इस दायरे में आते हैं। अगर 50 हज़ार आदमियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए तो फिर आप ये देखो कि सब जिलों में मिला के कितना बड़ा प्रभाव होगा। अगर वे वाहन चलेंगे तो ज़रूर सड़क पर, और अगर वे चलेंगे उनसे कोई हादसा हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। तो हमने रेलवे विभाग से ये पूछा था कि भाई अगर एनजीटी ने कहा है कि सब डीजल वाहनों पर लागू होगा तो क्या ये रेलवे पर भी लागू होता है? रेलवे के जो 10 साल पुराने इंजन है एनसीआर क्षेत्र में वो निकाल दिए गए। रेलवे से जो जवाब मिला है वो जवाब ये मिला है कि नहीं, हमें इस तरह का कोई पत्र, कोई मतलब इस तरह के आदेश नहीं मिले हैं। और इसमें हमारा ये कहना है कि ये कंपनियों की और सरकार की मिलीभगत है। चुनाव आने वाला है, अब जो वाहन कंपनियां हैं वाहन नहीं बिक पा रहे थे। 10 साल में कोई ट्रैक्टर थोड़ा ख़राब होता है, 10 साल में कोई कार थोड़ा ख़राब होती है किसी की, 40 हज़ार किलोमीटर भी चलती। नौकरी पैसे वाले लोग हैं, महीने में 2 दिन कार का इस्तेमाल करते हैं। तो वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर जनता पे एक भार डाल दिया कि 10 साल पुराने जो वाहन होंगे वो एनसीआर में बंद कर दिए जाएं।